Good evening everyone and welcome to my sociology class. Today my topic is impact of a woman's movement. I am Sudhanna Sen Gupta. Let's start the topic. So why women's movement is important? To a large extent of the emerging movement, that is ye movement important kyun hai? That is the economy educational rights ke liye, equal rights ke liye, jaise ke महिला पुरुषों के बराबर जो है. बिसाइड्स दैट, दैट इज द डाउरी सिस्टम, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सती, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन एंड द कस्टोडियल राइट. सो ये सब मूवमेंट के लिए वुमेन्स ये सब का ये इसके अगेंस्ट में वुमेन्स मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है. फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या होता है? रेफर्स टू द सीरीज ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेनिंग ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द इश्यूज सच एज द रिप्रोडक्टिव राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मैटरनिटी लीव, इक्वल पे, वुमेन्स सफर्ज ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द सेक्सुअल वायलेंस, ऑल विच फॉल अंडर द लेवल ऑफ द फेमिनिज्म एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो ये है that is the such as the reproductive right, domestic violence, that is the maternity leave, equal pay, women suffrage, जैसे कि working place में women और male को equal pay नहीं होता था, sexual harassment तो अभी भी होता है, sexual violence होता है, और women's all the fall under the level of the feminism. ये जो feminism movement है तो इसके लिए डिफरेंट वेव है. ये जो मूवमेंट है हुआ है वुमेन्स मूवमेंट, इसके लिए डिफरेंट वे है, वेव है. दैट इज द फर्स्ट वेव वाज द पीरियड ऑफ द फेमिनिस्ट इन 20th सेंचुरी में ये दिखा गया है. दैट इज द स्लेवरी एबोलिशन मूवमेंट. That is slavery. That is you mean to I mean to say that is the दास प्रथा जो बहुत पहले था. तो 20th सेंचुरी में इसको एबोलिश करने के लिए मूवमेंट हुआ था. इसके बाद सेकंड वेव जो है, सेकंड एंड थर्ड वेव में हम लोग देखते हैं 1960s टू 1980 में वो चला, वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में ही चला. तो यूनाइटेड स्टेट्स मूवमेंट थ्रू द अर्ली 1980s यहाँ पर आप देख सकते हैं. थर्ड वेव में ज्यादातर हुआ कि हिस्ट्री ऑफ द फेमिनिज्म आर द सब्जेक्ट्स टू द डिबेट बट आर जनरली मार्क टू द बिगिनिंग ऑफ 1990s से ये शुरू हुआ है थर्ड वेव एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन. सो हम लोगों के देश में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है वो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं. दैट इज द भारत महिला परिषद, भारत स्त्री महामंडल, ईयर भी साइड में लिखा हुआ है. दैट इज द भारत महिला परिषद इन 1904, भारत स्त्री महामंडल इन 1909, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन इन 1917, नेशनल काउंसिल ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया इन 1923. सो ये है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच. सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. Till then, goodbye.